योग्य घट घट में तेरा वास। आज के सरसिया जंगल में विराजमान परम आदरणीय जनता जनार्दन जय हो। दूर दराज से वह स्थानीय रसिया सुनने के लिए बैठे हुए मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गगण, हम उम्र साथी और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाली यहां की सम्मानीय वंदनीय कमेटी, प्रथम चक्र की शुरुआत स्वर्गीय अशोक शर्मा बी के मधुआ राय वालों की तरफ से हो रही है। अपने नंबर का श्री गणेश करने से पहले यहां पर जितनी भी समाज मौजूद है, जितनी भी सरदारी बैठी है, सभी के चरणों में अपनी छोटी सी पार्टी की तरफ से, सभी के चरणों में अपना शीश रख के बारंबार सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सामने जो खड़ा है बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे गायक, नाथ गोपाल खड़ा मुड़सान वाले, पूरी रात्रि आपको ये देखना है। हाँ देखना है, राय वालों ने क्या कहा उसका मुड़सान वालों ने क्या जवाब दिया, और मुड़सान वाले क्या बोलेंगे उसका राय वाले क्या जवाब देंगे। जय हो। हार और जीत का जो भी निर्णय हो, जो भी, वो दोनों पार्टियों को सुबह श्रोधार होगा। कमेटी ने जो आदेश दिया है, जो कुछ होना चाहिए वो खुला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुला, ओपन। तेरी समझ में आई, जो कुछ होना चाहिए खुला होना चाहिए। देखिए, मैंने आपके चरणों में सेवा तकरीबन 10-12 बार दे दी है। जय हो। आगे देते भी रहोगे। और भैया कोई नई लुगाई आवे तो थोड़ा बाको फर्क पड़ता है। हाँ हाँ नहीं तो अरे कह गए। तो सामने जो खड़ा आया है गोपाल भाई, पहली बार आप लोगों के मध्य में आए हैं, उनकी भी बातों पर गौर करना। जब आप सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब आपकी समझ में नहीं आएगा। मेरी तरफ से एक छंद होगा महाभारत से, एक गीत होगा वो भी खुला हुआ, एक टुकड़ा होगा वो भी खुला हुआ। हाँ टुकड़ा। और एक आदेश आप लोगों ने दिया है, एक रसिया राजनीति का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए राजनीति में पक्ष दो होते हैं, ये आनंद का विषय है। रसिया बाजला किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है ना। किसी दिन कोई पक्ष मिलता है, किसी दिन कोई पक्ष मिलता है। जय हो। जो भी पक्ष मिलता है, कलाकार का कार्य होता है उस पक्ष को निभाना। आप लोग केवल आनंद लेंगे, मैं दर से राजनीति में जो भी पक्ष मुझे कमेटी देगी उस पक्ष को लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा, और जो सामने पक्ष बचेगा राजनीति का उससे गोपाल भाई लेकर के आएंगे। मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत है, आप लोगों से निवेदन है शांति का दान देंगे। समय नोट करेंगे आप। मेरे अशोक शर्मा दे गए या
नहीं मैं कभी आपकी याद। अब छंद की शुरुआत कहां से है, रही बात समय की, तो ये मेरा वायदा है आपसे, जब तक जनता रहे सुनने के लिए, समय कोई भी हो, आप दोनों ही रसिया वालों को पैसा दे रहे हैं, कोई हराम में नहीं गा रहा है यहाँ पर, जब तक जनता रहेगी रसियाबाजी तब तक चलती रहेगी। क्या बात है सुंदर। हल्ला तेरा मच रहो जी, राहुल भाई मेरी जान अब कलम है अब उठाओ। हाँ। और देखी हल्ला तेरो मच रहो और तू है भारी बनवान, हल्ला तेरो मच रहो और तू है भारी बनवान, कहने लगे कोई पवन पुत्र हनु से। हाँ। जब भीम को अभिमान हो गया, उस अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी को आदेश दे दिया और हनुमान जी रास्ते में अपनी पूछ को डाल करके बैठे हुए हैं। जब भीम निकल करके जा रहा है तो भीम ने कहा बूढ़े बंदर इस पूछ को, तो हनुमान जी कहते हैं आपका आपको भीम का पक्ष दिया है, पक्ष आपका भी बराबर का है। हनुमान जी भीम से कहने लगे सुनिए, हाँ। अगर मेरी लाइन आप लोगों के दिल तक पहुंचे अच्छी लगे तो केवल तालियां जरूर देते रहें दोनों ही कलाकारों को, जिससे कार्यक्रम में रोचकता बनती रही और कलाकारों में भी उत्साह की लहर दौड़ती रही। जय हो जय हो। अरे पूछ पड़ी रास्ता में मेरी, देखे पूछ पड़ी के पूछ पड़ी रास्ता में मेरी, कोई जाए तनक ढरक दे तू, कोई जाए अरे जाए तनक ढरक दे तू, अरे जाए तनक ढरक दे तू, और भीम करे असल बाप को जो अंश है तो में तो जाए तिल भर ही सर काए असल बाप को अंश है तो में तिल भर ही सर। और मन में भारी बने हो बंदर तो से कह रहे बूढ़ो बंदर रे, तो से कह रहे बूढ़ो बंदर चौपा चौपी हो। देखिए भैया पुराना माने
मैं निवेदन करूंगा इनाम कलाकार आपको अच्छा लगे थे उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इनाम बोला नहीं जाएगा। हाँ। डर के मत तू बैठो है तेरी सबरी से की झर जाएगी, ये तेरी सबरी से की झर जाएगी। अरे कितना बल तो मैं बलधारी तेरी सबरी मालूम पड़ जाएगी। मन में ध्यान गुरु को धर ले जब ही कछु तू पड़े। अरे दोहा तन के जाए पकड़ ले, दोहा तन के जाए पकड़ ले, तन के जाए पकड़ ले भर के। आपको दिया जा रहा कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं है। हाँ। जनता को भी आनंद आएगा और आपके लिए पक्ष भी छोड़ा है। देखा बाबा साहब, रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम। हाँ। पिछली वर्ष में आया था। हाँ। तो आपने मेरे जनाने को देखा था। हाँ। अब भैया तुम्हें पता है कि डेंगू को मारो केस कर जावे को काम। हाँ। बेचारो घर पर मैंने तो बहुत ही के बेटा चलने कहीं नाच दियो। हाँ। कि भैया मेरे बस की बात नहीं, मैं तुम टूट जावे को सबरी प्लेट फूटी पड़ी है। केवल मजा पूरा ही मिलेगा चाहे कोई दिक्कत ना है। दे अरे रंग बसंती अंग बसंती ढंग बसंती छा गया और ये मस्ताना मौसम आ गया। आकाश भैया हमने मोना तुमने माना क्या होता है देखिए। पिछली बार सुनीता जी से दंगल हुआ था यही तो एक कटपीस गाया था इस धुन पर, तुम्हें याद होगा मैंने कटपीस गाया था। हाँ। दुनिया में इंसान तीन कोटन से बच जाए और चौथे थे बच्चों तुझे मान ले इस बात को होएगो। काले कोट की काली, काले कोट की काली बातें, काला कोट वकीलों का, खाकी कोट की खाली बातें, खाकी कोट पुलिस वालों का, सफेद कोट की जाली बातें, जाली बातें जाली बातें, तीनों कोट भारे इनमें खोट भारे
तीनों कोट बारे इनमें खोट भारे जे मिल गए एक कई जोत में अब घुस गए पेटी। अब नया तराना सुनो राय वालों से। हमने माना तुमने माना क्या होता है दिल दीवाना, क्या होता है दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना। जो रंग पसंदी, रंग पसंदी, अंग पसंदी, ये ढंग पसंदी। मस्ताना मौसम इजाजत हो तो झोल दो ला दिखा दू ऐसे ना भैया पीछे वाली वो हाथ उठाकर बताओ। हाँ भैया कमेटी वाले हो आप सभी आगे चाहूंगा कह दो भैया कहना क्या ढलती सुबह को ये। हाँ भैया ऐसी के चक्कर में मत पड़िए हाजी बाबा इनके चक्कर में मत पड़ियो क्या ढलती सुबह को ये और शाम बना सकती है। ढलती सुबह को ये और शाम बना सकती है और फेर एंड लवली को ये फेर एंड लवली को और झंडू बाप बना सकती है। फेर एंड लवली को ये झंडू बाप बना सकती है और मैं तो एक ही बात कहूंगा अगर ऐसी से बच जाओगे तो बने में रहोगे कि फेर एंड लवली को ये झंडू बाम बना सकती है। बच के रह लो ऐसी हसीनाओं से बाबा पर ना ये तुमको भी राम रही व्यासा राम बना। बेटा जो लोही है ऐसी से बचवे की इन्हें जरूरत ना है जिनते बचवे की जाए जरूरत है दौता है तक तो पावेगी ना जिन्हें पर देखिए आनंद देने का काम हमारा है और आनंद लेने का काम तुम्हारा तो कहना है गोपाल भाई तुम्हारे लिए अरे बिखरी त्यारी बंदी सोहनी और बिगड़ी त्यारी आज रोहनी और लेवे आए गए विश्वमोहिनी ले आए गए विश्वमोहिनी 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 दे अरे बिखरी त्यारी बंदी सोहनी और बिगड़ी त्यारी आज रोहनी और लेवे आए गए विश्वमोहिनी। समझ रहे होंगे कहानी पीर धुरंधर सभा के अंदर पीर धुरंधर सभा के अंदर संजू भैया ये पीर धुरंधर सभा के अंदर दूल्हा बन के सजे गए अरे दूल्हा बन के सजे गए इनके मोह पे पारे बजे गए। खोल रहा हूं मैं दूल्हा बन के सज गए इनके मोह पे बारे बज गए। अरे बात बताऊं अंदर की और देखो कला कलंदर की बात बताऊं अंदर की देखो कला कलंदर की अरे बात बताऊं अंदर की देखो कला कलंदर की और स्वयं पर अंदर नारद आए गए सकल बनाए दे बंदर की अरे नारद की वहां खारी कराई बात उनके समझ न आई वो रहे पछताई हो वो रहे पछताई पछताई अरे अपने मन में लज गए
अरे अपने मन में लचे गए, ये तो दूल्हा बन के सजे गए, इनके मोह पे माले बजे गए। तेरो भरम सब टूट गयो, अरे सबरो जोर लगा ले तेने, आज तेरो पसीना छूट गयो। सबरो जोर लगा ले तेने, तेरो पसीना अरे मेरे सर पे प्रभु का साया, तो कू देख घमंड है छाया, अरे तो कू बलधारी की काया, प्रभु ने सोची हो तो कू। देखिए, एक इनके लिए छंद दिया और छंद में एक टुकड़ा दिया, ले भी आएगे बे सोमोहनी दूल्हा बन के सज गए और इनके मुंह पे वारे बज गए। और देखिए कमेटी ने फरमाइश की थी कि भैया राजनीति जरूर होनी चाहिए, कछु होए चाहे ना होए, लेकिन राजनीति भी मैं तरीके से गाऊंगा, मैं कोई पक्ष लेकर के नहीं गा रहा हूं, मैं केवल गा रहा हूं तो जनता बन करके गा रहा हूं। जय हो, क्योंकि जनता का पक्ष सबसे बड़ा होता है। हाँ। और जो हकीकत बात है मैं जनता के माध्यम से उसे ही कहूंगा और इनके लिए सब पक्ष दे रहा हूं, ये जो कुछ भी पक्ष लेना चाहे उसे ले सकते हैं। हाँ जी मासा फेर
कटेंगे दिन हेले में लेके। इतना आपस भैया क्या किसी ने हाँ भैया मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे। हाँ भैया पीछे वाले क्या किसी ने मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे तेरे ऊपर तो कर दूँ सब कुछ करवा दे मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे तेरे ऊपर तो कर दूँ सब कुछ करवा दे रे मेरी नाजुक कली मेरी नाजुक मेरी नाजुक कली मेरी गुड़की डली है मेरी नाजुक कली मैं तुझे लाऊं बाजे पे बेटा पाजेब की और नाजुक कली की तो करवा छोत पे पतो पड़ेगी सुनो है आई जा रही है जब देखो कितने के पाजेब लावे वो कितने के धोती लावे तो लेकिन पक्ष लिया है मेरे जनता का समझ रहे हो। और आपसे देखिए मैं पहले ही निवेदन कर देता हूँ जनता में हर प्रकार का व्यक्ति बैठता है चाहे वो बीजेपी हो चाहे बसपा हो चाहे लोकदल हो चाहे सपा हो और कलाकार की भैया कोई जात नहीं होती है सही बात है क्या नहीं कलाकार तो भैया खुला हुआ होता है इसीलिए मैं स्वयं जनता का पक्ष ले रहा हूँ। अब कहना क्या है बात नहीं बोधी जी बोले मोदी योगी जी बात नहीं बोधी जी बोले मोदी योगी जी खाऊंगा और नहीं खाने तुम्हें दूंगा खाऊंगा और नहीं खाने तुम्हें दूंगा खाऊंगा और नहीं खाने तुम्हें दूंगा। अरे मन में भर के उत्साह बोले अमित शाह मन में भर के उत्साह बोले अमित शाह इस अखिलेश को साइकिल में चलाने नहीं दूंगा इस अखिलेश को साइकिल चलाने नहीं दूंगा। और भैया लाइन अब ऐसी आ रही है पीछे तक अगर हकीकत दो तो आनना चाहूंगा मन में भर के उत्साह बोले अमित शाह अखिलेश को साइकिल चलाने नहीं दूंगा अखिलेश को साइकिल अखिलेश को साइकिल चलाने नहीं दूंगा अखिलेश को साइकिल चलाने नहीं दूंगा। अब के कौन रहा है जब तक मैं जिंदा हूँ बहुत शर्मिंदा हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ बहुत शर्मिंदा हूँ भारत में कांग्रेस आने नहीं दूंगा भारत में कांग्रेस आने नहीं दूंगा। एरे छिलनो छिलनो ना छिलनो ना तुम पे बीजेपी को भार अरे छिलनो ना तुम पे बीजेपी को भार अरे दुनिया में हल्ला है सच्चाई है समझ रहे हो। हाँ जी अरे रोके ते नहीं रुके बीजेपी रोके ते नहीं रोके ते नहीं अरे रोके ते नहीं रुके बीजेपी नहीं ढूंढे खोज मिले गो रोके ते ना रुके बीजेपी ना ढूंढे खोज मिले गो नहीं ढूंढे खोज मिले गो फिर से देखो जा यूपी में फिर से देखो जा यूपी में कमल का फूल खिले गो
अरे दुनिया में हल्ला है और ये 100 रुपए का आशीर्वाद राजेश भैया तरौली वाले दिल्ली वाले देते हैं। एक बार भैया जोरदार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। जय हो। अब कहना क्या है, खत्म कर दई 370 धारा, खत्म कर दई, हां खत्म कर दई 370 अरे खत्म करी 370 धारा और कर दे काम करारे, खत्म करी 370 धारा कर दे खत्म करारे। और भैया मैं नाम किसी पार्टी का नहीं लूंगा, कर दे काम करारे, विरोधी मन में शौक रहे इनके चेहरा पर गए कारे, चेहरा पर गए तो सच्चाई है। अरे गुंडा कर दी खत्म भारत में, गुंडा कर दी खत्म भारत में, गुंडा कर दी खत्म भारत में, प्रभु के नाम नजर आएंगे, गुंडा कर दी खत्म भारत में, प्रभु के नाम नजर आएंगे। और भैया हकीकत तो तालियां चाहूंगा, प्रभु के नाम नजर आएंगे, अवधपुरी में फिर से देखो श्री राम नजर आएंगे, राम नजर आएंगे, राम नजर आएंगे। जे जे कार, अरे दुनिया में हल्ला है रयो है। देखिए जैसा भी टूटा फूटा जानते कोशिश कर रहे हैं, और मैंने पहले ही कह दिया था मैं कोई पार्टी बनकर के नहीं गा रहा हूं, मैं केवल जनता का पक्ष लेकर के गा रहा हूं, और एक जनता के मनोरंजन का गीत आप हमारी तरफ से सुनेंगे, और उसके बाद हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल जी का नंबर आएगा। और गीत बजाए वहां साहब, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया।